नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं जैसा कि आप सबको विदित होगा कि को, कोरोना के बढ़ते केसों के कारण सरकार द्वारा आ, कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि इस दौरान होनी थी उनको टाल दिया गया है भविष्य के लिए और आगे उनकी तिथि घोषित की जाएगी उन्हीं में से एक आ, परीक्षा है एल भर्ती परीक्षा ठीक है तो एल भर्ती परीक्षा भी सर, जो कि पच्चीस अप्रैल को प्रस्तावित थी आ, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे थे लेकिन वो परीक्षा कोरोना के बढ़ते कारणों के कारण आ, बढ़ते केसों के कारण पोस्टपोन कर दी गई है ठीक है और उसकी तिथि आगे आने वाले समय में घोषित की जाएगी ठीक है इसके अलावा और भी परीक्षाएं जो इस दौरान होनी थी जैसे नर्सिंग की परीक्षा है सभी परीक्षाएँ पोस्टपोन कर दी गई हैं ठीक है और उनकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी जब कोरोना के केसेस थोड़े से कम होने लगेंगे या जैसी भी जैसी भी अनुकूल परिस्थिति होगी सरकार के द्वारा तब वो तिथि घोषित की जाएगी ठीक है तो वर्तमान में आ, सर सरकार द्वारा आ, आ, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जैसे कि शिक्षण संस्थान बंदी किए जा रहे हैं कोचिंग संस्थान बंदी किए जा रहे हैं ठीक है तो आप जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप सबने अपने मार्ग से नहीं पटकना है आप जहाँ भी हैं अपने घर पर हैं या बाहर रह रहे हैं घर से बाहर रह रहे हैं अपने अध्ययन के लिए तो आपने एक स्थान पर बने रहकर अपनी तैयारी में मन लगाना है आ, क्योंकि आगे जो परीक्षा अभी टली है आगे परीक्षा होंगी और उस समय के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है ठीक है तो आज मैं जो परीक्षार्थी एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जो कि 25 को प्रस्तावित थी अब उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है ठीक है अभी तिथि घोषित नहीं हुई है परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है ठीक है तो एल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैंने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित परीक्षा उपयोगी वन लाइनस आप लोगों के लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं ठीक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग अभ्यर्थी हैं आ, हर अभ्यर्थी अपने सब, सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होगा लेकिन जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित भाग है वो सभी के लिए समान है सभी को वो सभी को आ, इसका अध्ययन करना ही होगा और इसकी परीक्षा देनी ही होगी जो तीस प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आएंगे उसी से आपकी मेरिट भी तय होगी ठीक है तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इस पर मैंने कुछ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित परीक्षा उपयोगी वन लाइन को लिया है आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए इससे आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ठीक है तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ शिक्षण अभिरुचि वन लाइन इसमें पहला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था डी डब्ल्यू एल एन ने ठीक है अगला बिंदु है डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी तो उन्होंने तेरह शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी अगला बिंदु शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण को ठीक है क्योंकि इसके तहत बहुत सारे स्किल्स पर काम किया जाता है और शिक्षण विधियों का विकास किया जाता है उसका अभ्यास कराया जाता है शिक्षक को ठीक है तो शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण को अगला पॉइंट चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन या सामग्री हैं ये दृश्य साधन है ठीक है जिनका जिन्हें केवल देखा जा सकता है अगला बिंदु देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था तो ये किया था बी एफ स्कीनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का विकास बी एफ स्कीनर ने किया था अगला बिंदु रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है ये अभिक्रम है ठीक है देश रेखी रेखीय रे, रेखी अभिक्रम अनुदेशन ठीक है रेखीय ये रेखीय अभिक्रम जैसे अभिक्रमित है ना रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ठीक है तो रेखीय अभिक्रमित है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक किसे माना जाता है तो यह माना जाता है बी एफ स्किनर को ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है देखा जैसे ऊपर था रेखीय विक्रम छप गया था तो यहां पर लिखा है रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है बहाय अभिक्रम ठीक है अगला बिंदु देखते हैं चलचित्र कैसा साधन है तो चलचित्र है दृश्य श्रव्य जिसे सुना भी जाता है और देखा भी जा सकता है ठीक है चलचित्र दृश्य श्रव्य साधन है अगला पॉइंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ब्रायन मोर जोन्स ने उन्नीस में एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग ब्रायन मोर जोन्स ने उन्नीस में किया था अगला पॉइंट शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था तो यह क्या था एन नई दिल्ली ने ठीक है इस पर आधारित एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ ठीक है शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था एन ने ठीक है आगे चलते हैं हाँ अब हम कुछ अन्य बिंदुओं को देखेंगे अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था तो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया गया था रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा ठीक है अगला पॉइंट शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया था सिडनी एल प्रेसी अमेरिका में 1926 में ठीक है अगला पॉइंट टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ये भाषा हुई है टेक्निकोस टेक्निकोस शब्द से इस, इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है कला अगला पॉइंट है शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं तो इसके चार तत्व होते हैं शिक्षण प्रतिमान के चार तत्व होते हैं उद्देश्य संरचना सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन ठीक है उद्देश्य संरचना सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन अगला पॉइंट साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था नॉर्मन ए क्राउडर ठीक है एक्चुअली यह साखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है आप साखी अभिक्रम इससे अंदाजा लगाए साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा अगला बिंदु देखते हैं अगला बिंदु है एलन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं तो एलन और रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के चौदह कौशल बताए हैं अगला पॉइंट अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं रेखीय साखिय और मैथेटिक्स ठीक है रेखीय साखिय और मैथेटिक्स तीन प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं अगला पॉइंट ओ का पूरा नाम क्या है ये देखिए ओ एक दृश्य एक दृश्य सामग्री है ठीक है इसका फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर ठीक है जिसे बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर स्ट्रैप दृश्य ये दृश्य सामग्री है ठीक है जिसमें किसी ट्रांसपेरेंसीज को दीवार में उसका उसका प्रक्षेपित चित्र देखा है, जाता है ठीक है उसके माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है ओ का पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है तो एक ठीक है तो सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है ठीक है आगे चलते हैं हाँ आप कुछ और बिंदु हैं अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ तो ये पंद्रह सितंबर उन्नीस को हुआ था ये जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और शिक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई साले कई सारे शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं अगला पॉइंट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है तो ये तीन प्रकार की होती है टेली आ, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग यानी कॉन्फ्रेंसिंग तीन प्रकार की होती है एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग अगला पॉइंट श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत आती है हार्डवेयर ठीक है तो श्रव्य दृश्य उपागम के अंतर्गत हार्डवेयर आती है अगला पॉइंट देखते हैं कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से है होता है तो यह होता है ज्ञानात्मक पक्ष से कठोर शिल्पोपागम का संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है अगला पॉइंट खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किस का विकास होता है तो ये ज्ञानात्मक विकास होता है अगला पॉइंट किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है तो ये उद्दीपन भिन्नता के द्वारा ठीक है अगला पॉइंट बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया तो यह बी एस ब्लूम ठीक है बी एस ब्लूम बी एस ब्लूम द्वारा बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों का प्रतिपादन किया गया अगला पॉइंट एजर डेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है तो यह होता है प्रत्यक्ष अवलोकन अगला पॉइंट शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है तो ये करता है छात्र एवं शिष्य ठीक है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है छात्र या शिष्य ठीक है छात्र और शिष्य एक ही अगला पॉइंट शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व तो किसका होता है तो ये शिक्षक का होता है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व होता है शिक्षक का आगे चलते हैं हाँ अगले पॉइंट्स की ओर देखते हैं अगला पॉइंट है विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए मैत्रीपूर्ण ठीक है कक्षा में भले कैसा भी हो कक्षा में शिक्षक के की तरह पेश आना चाहिए और कक्षा के बाहर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को अगला पॉइंट निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है तो यह आती है सामान्य से विशिष्ट की ओर ठीक है जो निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विधि है उसके अंतर्गत आती है अगला पॉइंट अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु होती है छात्र का विश्वास देखिए ये विकल्प में आएगा कि अध्यापक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है तो यह है छात्रों का विश्वास अगला पॉइंट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है तो ये होता है नीरस वातावरण नीरस है नीरस को नीरस है, ठीक है नीरस नीरस वातावरण के कारण ग्रामीण स्कूल के बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं ठीक है उनके भागने के कारण नीरस नीरस वातावरण का होना है आगे चलते हैं अगला पॉइंट भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है ये उद्देश्यहीन शिक्षा ठीक है तकनीकी शिक्षा का अभाव उद्देश्यहीन शिक्षा का के अभाव के कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जाती है अगला पॉइंट किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व तो सबसे उत्तम माना गया है तो ये लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व तो सबसे उत्तम माना गया जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता हो अगला पॉइंट किसी भी विषय के वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है तो यह है प्रभावी अभिव्यक्ति ठीक है अगर शिक्षक में अभिव्यक्ति की क्षमता अच्छी हो उसकी अभिव्यक्ति प्रभावी हो तो छात्र को कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया जा सकता है उसके द्वारा और कुछ भी सिखाया जा सकता है आगे चलते हैं वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बतलाइए तो यह है शिक्षक छात्र विषम अनुपात ठीक है जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक कम है और कभी कहीं कहीं छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और शिक्षक कम है कहीं छात्रों की संख्या बहुत कम है और शिक्षक उनके मुकाबले अधिक है ठीक है तो इसके अनुपात में विषमता आने के कारण प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा हो गई अगला पॉइंट देखते हैं छोटे बच्चों की शिक्षक को शिक्षा सिक, देना जरूरी है लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए तो ये डालना चाहिए ग्रह का ठीक है उसमें ग्रह गृह कार्य या होमवर्क का बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए ठीक है या अन्य ग्रह की समस्याओं का उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए आगे चलते हैं हाँ कुछ और बिंदुओं को देखेंगे हम अगला पॉइंट है जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है तो आत्मसंतोष जब अध्यापक का छात्र उन्नति करता है तो अध्यापक आत्मसंतोष महसूस करते हैं अगला पॉइंट शिक्षा से किस का कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का शिक्षा से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है अगला पॉइंट यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है तो ये कहा है प्लेटो ये पहले पॉइंट भी आ चुका है ठीक है पहले वीडियो में भी ये पॉइंट मैंने बताया था आपको कि यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है यह प्लेटो ने कहा है किस विद्वान के द्वारा सीखने के पांच चरण बतलाए गए हैं तो यह बतलाए गए हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अगला प्रश्न अगला प्रश्न है किंडर स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे तो ये खोले गए थे जर्मनी में किंडर स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे अगला पॉइंट भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है ये वार्तालाप करना ठीक है भाषा सीखने का सबसे ये भाषा भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना अगला पॉइंट नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी ये की थी फ्राबेल ने महत्वपूर्ण पॉइंट अगला पॉइंट कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती ये भ्रमण विधि ठीक है भ्रमण से छात्र अनुभव करके सीखते हैं अगला पॉइंट किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है ये बताया गया है टी पी नन टी पी नन के द्वारा अगला पॉइंट आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान हैं गुरुकुल भारतीय पद्धति के समान ठीक है आगे चलते हैं अब कुछ लास्ट बिंदुओं को देखेंगे भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे कार्वे ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है अभ्यास द्वारा ठीक है किस प्रकार का होता है अभ्यास द्वारा अगला पॉइंट प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स अगला पॉइंट यह किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो ये मैगन ने कहा है अगला पॉइंट गणित शिक्षण की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है तो ये माने गई है एल्गोरिथम ठीक है अगला पॉइंट एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना ज़्यादा जरूरी है ये ज़रूरी है पुस्तकालय का होना अगला पॉइंट किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है तो ये होता है प्रेरणा के सिद्धांत द्वारा अगला पॉइंट अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बतलाइए क्रिया का सिद्धांत अगला पॉइंट वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था ये विद्यारंभ संस्कार या चूड़ाकर्म ठीक है अगला पॉइंट शिक्षा की अवधि क्या है पाँच सौ ईस्वी पूर्व से बारह सौ तक ठीक है ये जब तब से जब से एक सिस्टम एक, एक सिस्टमेटिक रूप से शिक्षा दी जाने लगी ठीक है तो ये कुछ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ बिंदु मैंने यहाँ दिए हैं इन इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको इसका अभ्यास हो जाएगा ठीक है तो आप इस वीडियो को देखिए और इन बिंदुओं का अभ्यास कीजिए ये बिंदु आपको कंटेस्ट हो जाएंगे ठीक है और इस लॉकडाउन की अवधि में आप अपने प्रयासों में कमी मत आने दीजिए अपने प्रयासों को जारी रखिए ठीक है हमारा अधिकार केवल कर्म पर है और कहा भी गया कि कर्मण्यवादी कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु का दासना माँ कर्म फल हेतुर्भ माँ ते संगोस्त कर्मणी अर्थात हे मनुष्य तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है उसके फल में कदापि नहीं इसलिए तो कर्म किए जा ठीक है तो हमारा काम कर्म करना है उसके फल उसका फल में तो हमारा अधिकार है नहीं अगर फल में जब हमारा अधिकार है ही नहीं तो उसके फल के बारे में हम सोच के अपना समय हमें वेस्ट नहीं करना है आप लोग अपने कर्म पर ध्यान दीजिए अपने अध्ययन को बिल्कुल जारी रखिए ठीक है विद्यार्थी को कभी सुख नहीं होता ठीक है तो इन्हीं प्रेरणा प्रेरणादायक लाइनों के साथ आपको शुभकामनाएं आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इससे लाभ प्राप्त कीजिए और अगर आपको इससे कोई भी लाभ होता है या इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कहीं कोई कमी महसूस होती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचें बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आ, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में देता हूँ धन्यवाद नमस्कार